और इस वक्त आइए सीधे रुख करते हैं अयोध्या का, वो जगह जो इस पूरे मसले के केंद्र में रही, जहां पर आंदोलन उपजा, जिस जगह ने इस पूरे आंदोलन को देखा। हमारी संवाददाता मौसमी वहां से जुड़ गई है हमारे साथ। मौसमी, एक ऐसा केस है जिस पर अयोध्या की नजरें शायद सबसे ज्यादा टिकी होंगी। अब इस फैसले के बाद जब बीजेपी के दिग्गज नेताओं आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, इन सब पर केस चलेगा, तो क्या वहां के लोग सोच रहे हैं और वहां पर इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया दिख रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि हम अयोध्या में हैं और हमारे साथ जो मुख्य शिकायतकर्ता हैं इस पूरे मसले के, हाजी महबूब साहब, वो बैठे हुए हैं। उन्होंने लगातार इस मसले को लड़ा और वो उन्होंने हाई कोर्ट में भी रिट पिटीशन दायर की थी कि एलके आडवाणी से लेके जो तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता हैं उनके खिलाफ शिकायत होनी चाहिए, उनके खिलाफ मामला चलना चाहिए। हमारे साथ महंत धर्मदास भी हैं, जो कि अगर कहें जो शुरुआत में 1949 में पूरा मामला शुरू हुआ, उनके गुरु साहब जो थे उन्होंने ही इस मसले को शुरू किया। उन्होंने ही सबसे पहले रामलला की मूर्ति को मस्जिद में देखा और उन्होंने कहा कि रामलला प्रकट हुए हैं। हाजी महबूब साहब के पिता थे, उन्होंने शिकायत की थी पुलिस थाने में। चलिए बात करते हैं, महबूब साहब, आपने काफी लंबी ये लड़ाई लड़ी, अब बताया जा रहा है कि आपराधिक मामला चलेगा एलके आडवाणी, उमा भारती और तमाम बीजेपी के दिग्गज नेताओं पर। मैं तो कोर्ट का शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो एक्यूज थे इसमें, जो आडवाणी साहब, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कटियार, कल्याण सिंह, इन लोगों को आज अदालत ने दोषी करार दिया जी। मैं किस तहे दिल से उनका शुक्रिया गुजार, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे उम्मीद थी कि अदालत इंसाफ करेगी और इंसाफ आज हुआ। पर क्या मकसद था, आप क्यों चाहते थे कि इनके खिलाफ मामला चलना चाहिए? हालांकि कल्याण सिंह इसमें नहीं है क्योंकि वो गवर्नर है राजस्थान के, पर क्या वजह थी आपकी लड़ाई की? देखिए, कल्याण सिंह आज गवर्नर हुए हैं ना, लेकिन जिस वक्त बाबरी मस्जिद शहीद हुई है उस वक्त वो एज ए चीफ मिनिस्टर यूपी थे जी, और उनका हाथ था इसमें, इन्वॉल्व थे। अगर उन्होंने इन लोगों को छूट न दी होती, आडवाणी साहब जो थे 90 से रथ यात्रा निकाले थे और ये पूरे हिंदुस्तान को, हिंदू या मुसलमान जो कि यहाँ की तहजीब थी गंगा जमुनी की, उसको उन्होंने बर्बाद किया। और आज अगर आडवाणी साहब इस तरीके से सामने खुल के ना आते, लोगों को ना घुराते, तो आज ये दिन ना देखने में आता कि जो आज हम आपस में तनाव तकरार में हर वक्त दिमाग परेशान रहता है, ये होता कल क्या हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की तारीख इन्होंने बदल दी। जो मजहबी दायरे थे उनको ख़त्म किया, हिंदू हो या मुसलमान हो, हर आदमी प्यार मोहब्बत से यहाँ रहते थे, लेकिन आज इनकी देन है जो हम लोगों में नफ्सी नफ्सी हुआ था। लेकिन आज शुक्र खुदा का कि हम सब लोग अयोध्या का, चाहे वो यहाँ का संत हो, महंत हो, पब्लिक हो, और हम लोग आपस में बैठते रहते हैं और इस मसले को हमें चाहता हूँ किसी से हल हो, मैं ये चाहता हूँ। महंत साहब से पूछ लेते हैं, महंत साहब एक तरह से मुलजिम है हाजी साहब के, पर वो आज यहाँ पे आए हैं बात करने के लिए आज तक से, क्या आपकी भी प्रतिक्रिया यही है क्योंकि एलके आडवाणी है, उमा भारती, उनके खिलाफ आपराधिक मामला चलेगा, क्या कहना है आप? वो तो कोर्ट के व्यवस्था है, कोर्ट क्या करती है, कैसे कागज पड़ा है, तो हम पूरा जानते नहीं है जी। लेकिन कोई भी मुकदमा चलता है कोर्ट का आदर करना चाहिए जी। हाँ, आपको लगता है कि ये जो बीजेपी के नेता थे उनका हाथ था, जिस तरह से पूरी बाबरी मस्जिद दही तो उनका हाथ था, और कहीं ना कहीं एक आपराधिक मामला चलेगा तो न्याय मिलेगा लोगों को, क्या ऐसा मानना है? ऐसा है, हमारे जो अपने विचारधारा है, वहाँ पर मैं प्रत्यक्ष दर्शी हूँ कि इन लोगों को कोई मतलब कि उस तोड़ने में कोई मतलब की व्यवस्था नहीं, मतलब की काम नहीं था। लेकिन अब कोर्ट है चलाता, चाहे हमरे पे भी मुकदमा चला है, उसमें हम भी मुलजिम है, तो इससे क्या मुकदमा चलता है, कोर्ट जैसे निर्णय करेगा उसे करा जाएगा। लेकिन हम लोग आपस में मिलजुल करके रहते हैं, राम मंदिर बनाना चाहते हैं, और हम लोग इसी विचार पर आपस में विचार विमर्श है कि अयोध्या में राम मंदिर बने। नहीं महान जी, आप कह रहे हैं कि उनकी कोई भूमिका नहीं थी, तो बाबरी मस्जिद के अपना आप ढह गई, जिस तरह से हाजी साहब का कहना है कि उन्होंने रथ यात्रा निकाली एलके आडवाणी ने, उसकी वजह से ढह गई थी। तो रथ यात्रा निकले किस वजह से ढहा,
तो यह विषय में जैसे आडवाणी जी के विषय में कह रहे हैं, हाजी महबूब साहब भी कह रहे हैं, तो कोर्ट के जो निर्णय होगा तो भाई सबको मानना पड़ता है। आपको लगता है दोषी हैं, कहीं ना कहीं उनके पास उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और आपराधिक मामला चलना चाहिए, यानी दोषी नहीं पूरा आपराधिक मामला चलना चाहिए, पूरा कोर्ट में चलना चाहिए? बिल्कुल चलना चाहिए, कोर्ट में सब बराबर है। जब इंदिरा गांधी के खिलाफ चल सकता है, इंदिरा गांधी कोर्ट का फेस कर सकती है, 6 साल के लिए ये हो सकता है, इन पर क्यों नहीं चलना चाहिए? अगर कोर्ट के निगाह में बनता है तो मुकदमा चलना चाहिए। हाजी साहब, यहाँ पे महान धर्मदास ये कह रहे हैं कि भाई हमने अपनी आंखों से देखा था वहाँ पे, लौट रही हूँ आपके पास, हम लौटेंगे और इस बातचीत को आगे और सुनेंगे, लेकिन